प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा क्षेत्र से विधायक व जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने यूपी चुनाव को लेकर बड़े बयान दिए हैं। राजा भैया का कहना है कि बाकी और कुंडा विधानसभा सीटों में क्या अंतर है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन उन्होंने आगे बढ़ाया। गुलशन यादव को लेकर राजा भैया ने कटाक्ष किया। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले एक खास बातचीत में कुंडा के विधायक राजा भैया से रिपोर्टर ने पूछा, इस बार आप कौन सा रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। राजा भैया ने कहा, न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर्स मुझसे पूछते हैं कि इस बार आप कौन सा रिकॉर्ड बनाएंगे। मैं उनसे कहता हूं कि आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। इसका जवाब देने वाली कुंडा की जनता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राजा भैया ने कहा, कुंडा की तरह यूपी में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन कुंडा इन सबसे अलग है। क्या आप लोगों को पता है कि बाकी विधानसभा और कुंडा के क्षेत्र में क्या अंतर है। हर प्रत्याशी को अपनी विधानसभा से प्रेम होता है, लेकिन यहाँ की जो बात अलग है वो ये है कि पूरे विधानसभा में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला प्रत्याशी कुंडा से है। अपने संबोधन में राजा भैया यही नहीं रुके, बल्कि इसके आगे उन्होंने कहा, किसी विधानसभा में अपनी लीड बना ली होगी, लेकिन ये कुंडा की आरती और कुंडा का पानी है। गुलशन यादव पर कटाक्ष करते हुए राजा भैया ने कहा, इस बात का दुख होता है कि अपनी पार्टी की नीतियां बताने के बजाय मेरे खिलाफ चुनाव लड़ रहे नेता राजा भैया की बुराई बताने में लग जाते हैं। अवधी भाषा में राजा भैया ने कहा, इस बार राजा भैया को मिटा देंगे, इस बार ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इनको ये नहीं पता कि कुंडा की जनता का प्यार हमारे साथ है। राजा भैया के इस भाषण पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोग कह रहे हैं कि राजा भैया के खिलाफ कोई कितना भी गलत शब्द बोल ले, लेकिन राजा भैया कभी असंवैधानिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के टिकट पर गुलशन यादव कुंडा से चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव लड़ने से पहले ही गुलशन यादव ने ये कह दिया है कि उनकी जान को राजा भैया से खतरा है। गुलशन यादव के प्रचार में अखिलेश यादव अब तक नहीं उतरे हैं, लेकिन चुनावी रण में अखिलेश यादव वर्सेस राजा भैया का घमासान देखना काफी दिलचस्प होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन की रिपोर्ट।